युवा तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर श्री अभिषेक जी, गेस्ट ऑफ ऑनर, लेक्चरर इन हिंदी बालम मैडम जी, सुंदर जी, राजकुमार जी, सलाहकार हिम सिंह जी। सबसे पहले मैं हिमालयन परिवार की ओर से इस कार्यक्रम में आए अपने पूरे व्यस्त कार्यक्रम को छोड़कर सारे कानून व्यवस्था सर आपके हाथों में, फिर भी इन बच्चों के लिए आप समय निकाल कर हमारे बीच में आए हैं, इसके लिए मैं सारे परिवार की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं सर। आप सभी पीटीए बॉडी के मेंबर्स समय पर आए, सारे हिमालयंस बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, हम सब एक परिवार है। जितने भी अभिभावक समय पर पहुंचे आप सबका भी स्वागत है, साथ में आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। मुझे फिर से दोबारा मंच पे आने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं विद्यालय के बारे में थोड़ा सा अपना विचार रखूंगा। मान्यवर हमें इस विद्यालय को चलाते हुए 12-13 साल हो गए, इसके साथ हमने पहले हमें लगा कि समाज के किसी क्षेत्र में हमें काम करना चाहिए। तो जब विश्वविद्यालय से निकले तो पहला हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोर्डिंग कम डे स्कूल, और साथ में हमें लगा यहाँ के बच्चे बहुत दूर दूर जाते हैं। बीएड कॉलेज हमने बाबा नगर से 5 किलोमीटर ऊपर पोंडा नामक स्थान पर ओपन किया। उसके बाद लगातार हमें लगा कि भी यहाँ के लोग की भी जरूरत है, तो 2009 में हम यहाँ आए और छोटा सा पौधा हमने लगाया था शिक्षा के क्षेत्र में, और विशेषकर मैं आप सभी जो सहयोग करते हैं विद्यालय परिवार अभिभावक आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोगों के सहयोग से आज विद्यालय लगातार तरक्की करता हुआ आज यहां पर पहुंचा। और सर हमारा कोशिश रहा इन बच्चों को शिक्षा के लिए दूर ना जाना पड़े, बेहतर शिक्षा यहाँ मिले, इसके लिए हमारा कोशिश रहा और हम सफल भी हुए काफी हद तक। हर साल चाहे यहाँ की बात करूँ चाहे पोंडा की बात करूँ, लगातार बच्चे अच्छे मेरिट में निकले। अलग अलग जो कॉम्पिटिशन पेपर होता है, एकलव्य का हो, JNV का हो, या अदर और भी जो प्लस टू के बाद जा रहे हैं, 10th के बाद जा रहे हैं, हिमालयन स्कूल के बच्चे सभी अच्छे निकले। लगभग हमने JNV और EMRS के लिए कोई 60-70 बच्चे यहाँ से निकले हैं, और जो यहाँ से पढ़े हैं या जो हमारे अदर इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं वो कोई आज बैंक पीओ है, कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है। आज हमने स्पेशल उनके अभिभावक को भी निवेदन किया था, नर्सरी से लेकर 10th तक पढ़ी तमन्ना विस्ट, वो इसी बार MBBS में निकली है, तो उनको भी मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। बाकी सर मुझे व्यक्तिगत रूप से आपसे आज मिलने का मौका मिला, मैं चाह रहा था, युवा हैं, तेज तर्रार ऑफिसर हैं, आज के डेट में इन बच्चों को ऐसे मार्गदर्शन की जरूरत है। मैंने निवेदन भेजा था आपके पास प्रिंसिपल मैडम के माध्यम से कि हमारे बीच में ऐसे रोल मॉडल बने इन बच्चों के लिए, अभिषेक जी को इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के लिए बोले। आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकगण, आपसे मैं कुछ चीजें हमेशा कहता हूँ, मेरा एक ही चीज हमेशा बार बार फोकस रहता है, पढ़ाई के साथ साथ अगर हम अपने समय की बात करें 25-30 साल पहले जब हमने 10th किया, और आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत बदलाव आया है।
हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है इन बच्चों को। तब हम मेहनत भी करते थे, घर का काम भी करते थे, लेकिन आज समय बदल गया है। आज का अगर समय देखें, हमें बच्चों से इतना लाड प्यार है, बच्चों के डिमांड तो हम पूरा करते हैं। अच्छे कपड़े चाहिए तो भी देते हैं, मोबाइल चाहिए तो भी देते हैं। दब गया सर आपसे। जिन चीजों के लिए हमें सोचना है और ध्यान देना है, उन चीजों पे हम नहीं सोच पा रहे हैं। युवा पीढ़ी आज नशा की ओर जा रहा है। हम मोबाइल दे रहे हैं, लेकिन मोबाइल का यूज किस रूप में बच्चे कर रहे हैं ये नहीं देख पा रहे हैं। पढ़ाई के लिए हम अपने बच्चों के साथ घर बार छोड़कर पीओ के अंदर रह रहे हैं, लेकिन उन बच्चों में संस्कार और नैतिक मूल्य हम जो देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया जैसे में सोशल मीडिया को 16 साल से छोटे बच्चों को प्रतिबंध लगाने के लिए विचार चल रहा है, और आप खुद सारे जागरूक है पेरेंट्स। चिट्टा एक ऐसा नशा आ गया है, हमारे लिए चैलेंज है, जिससे एचआईवी तक का रिपोर्ट आ रहा है, जिस इंजेक्शन से ले रहे हैं वो ऐसे बीमारी में ग्रस्त हो रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों को इन चीजों से जो गलत रास्ते में जा रहे हैं इसको रोकना पड़ेगा, और सही रास्ते में हमें काउंसलिंग करना पड़ेगा बार बार। मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। पढ़ाई तो होगा, लेकिन आज का जो युवा पीढ़ी जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना हमने इसलिए चाहा कि हमारे माध्यम से जो बच्चे निकलेंगे या जो शिक्षक निकलेंगे वो बच्चे आगे जाकर राष्ट्र निर्माण के लिए कोई काम आए, समाज के अलग अलग क्षेत्र में जाकर काम करें। अगर यहाँ से रास्ता भटक गया, अगर 12 साल से लेकर 18 साल के बीच में अगर हम अपने बच्चों को नहीं संभाल पाए तो उनका भविष्य अंधेरे में है। शिक्षक दिन रात समर्पित तो रहते हैं, समर्पण की भावना से काम करता है, उसके बाद भी अगर बच्चा लाइन से बाहर हो गया तो सोचो उस शिक्षक के ऊपर क्या बीतेगा। मैं बार बार इस बात को इसलिए जिक्र करता हूँ, ये आने वाले बच्चे हमारा भविष्य है, देश के भविष्य है, देश को बड़ी उम्मीदें हैं इन बच्चों से, और इन बच्चों के कंधों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों को आप बहुत ज्यादा ध्यान दें, और अभिभावक बुरा ना माने नशा मेरे या मंच से बोलने से या एक व्यक्ति के काम करने से छूटना असंभव है। जो अभिभावक अगर नशा करते हैं तो आप लोगों से भी मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने सिस्टम से बच्चों के बड़े दूर रहकर, जब आप अपने बच्चों के लिए धन दौलत सब कुछ, समय सब कुछ दे सकते हैं, एक चीज क्यों नहीं छोड़ सकते हैं आप, नशा आप क्यों नहीं छोड़ सकते हैं बच्चों के लिए? ये हम सबको मिलकर करना होगा। इसीलिए जो युवा शक्ति है, जो विद्यार्थी है, बेटा मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, आज एसपी सर को आप जो आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास इसी कारण था। इतने युवा आईपीएस ऑफिसर बनकर हमारे बीच में, मान्यवर सर को आपने रोल मॉडल बनाना है। अभी आपको वक्त पे सुनने को मिलेगा, तो बेटा आपको रोल मॉडल बनाना है। तो समय की आवाज है, ज्यादा ना बोलता हुआ फिर से विशेषकर मैं आज के मुख्य अतिथि अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। ये स्कूल सदा ही आपके मार्गदर्शन से पिछले कई वर्षों से उन्नति करता आ रहा है, और मैं आशा करता हूँ आगे भी उन्नति करेगा।